वी विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी क्लास 10th में ये 10 मार्क्स का आ रहा है पूरा का पूरा चैप्टर और इस पूरे चैप्टर की है वन शॉट एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है हमारे चैनल पे तो जाइए जाकर के वन शॉट वीडियो देखिए एंजॉय कीजिए इस क्वेश्चन आंसर सीरीज को देखिए पी वाई क्यूज को पढ़िए और इस चैप्टर को इजीली आप क्रैक कर लोगे। मुझे पता है आईटी लास्ट टाइम पे ही सबको आती है आपके पास पूरे 7 डेज लास्ट के बचेंगे आफ्टर योर एग्जाम ऑफ SST आप आराम से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़िएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आप धीरे धीरे आराम आराम से इस चैप्टर को बहुत ही मज़ेदार से इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ने वाले खत्म कर देंगे खल्लास करने वाले इस चैप्टर को वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी को। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है डिफाइन नेटवर्किंग। तो बता दूं कि सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना ये आपका काम है मुझे रिमाइंड ना करना पड़े उससे पहले ही आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन रेगुलर मिलेंगे आपको ठीक है। डिफाइन नेटवर्किंग क्या है नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइस लिंक टू वन अनदर। नेटवर्क क्या है ग्रुप ऑफ डिवाइस है डिवाइस का पूरा ग्रुप है जो कि लिंक किया हुआ रहता है एक दूसरे से ठीक है। एक कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर हार्डवेयर। एक कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो क्या है कलेक्शन है क्या है जमा पूंजी है कलेक्शन है कंप्यूटर का और अदर हार्डवेयर का कंपोनेंट का इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स के द्वारा चाहे वो चैनल्स कुछ भी हो सकता है केबल हो सकता है या फिर सैटेलाइट्स हो सकता है ठीक है। दैट अलाउ द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। समझ में आया नेटवर्किंग बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा तो आराम से समझते हैं नेटवर्किंग क्या है। नेटवर्किंग क्या है एक ग्रुप ऑफ डिवाइस है जो कि लिंक एक दूसरे से लिंक किया हुआ रहता है बहुत सारे डिवाइसेस को एक कंप्यूटर दो कंप्यूटर तीन कंप्यूटर चार कंप्यूटर एक के ऊपर इन्फिनिटी कंप्यूटर को क्यों ना ही आप कनेक्ट कर दो थ्रू द इंटरनेट ना। तो नेटवर्क क्या है ग्रुप ऑफ डिवाइस है एक दूसरे के साथ लिंक किया हुआ है ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है कलेक्शन है कंप्यूटर का एक दूसरे के साथ चाहे वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा जैसे सैटेलाइट्स इन सारे से जो कि रिसोर्स को शेयर करना और इन्फॉर्मेशन को अलाउ करना। आपका इंटरनेट क्या है आप ये मेरी वीडियो कहाँ देख रहे हो तो इंटरनेट आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस है यूट्यूब आपका चैनल है और यहाँ पे आप मेरा देख रहे हो वीडियो तो यही क्या हो रहा है इन्फॉर्मेशन की सेलिंग हो रही है नेटवर्किंग हम लोग भी कर रहे हैं चिंता मत कीजिए ये मार्केटिंग नेटवर्किंग नहीं है ये नेटवर्किंग है जहाँ पे एक दूसरे से लिंक हो करके शेयरिंग करते हैं इन्फॉर्मेशन को डाटा को रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। समझ में आया नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए एक और बार सुनिए और मैं आपको बता दूं कि नेटवर्किंग कुछ भी नहीं है बहुत ही सिंपल सी चीज़ है एक दूसरे के साथ शेयर करना रिसोर्सेज को एक दूसरे से अगर कंप्यूटर लिंक है उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो नेटवर्किंग कहलाएगा। गिव एनी 3 एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग तीन एडवांटेज बताना है नेटवर्किंग के तीन एडवांटेज। तो एडवांटेजेस क्या है तो पहला तो है कि शेयरिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हो नेटवर्किंग में। आप ऐसा नहीं इंटरनेट पे आप हार्डवेयर को शॉप कर नहीं आप अगर घर पे आकर के हार्डवेयर का शेयरिंग कर रहे हो पेन ड्राइव का आदान प्रदान हो रहा है आपके बीच में तो वो भी एक नेटवर्किंग है। आप मान लो कि आपने कोई एप्लीकेशन का शेयरिंग कर रहे हो तो वो भी क्या है एक नेटवर्किंग है ठीक है। चलिए आप जब IT पढ़ते हो तो कुछ इस टाइप से शक्ल हो जाती है व्हाट ऐसा भी कुछ होता है भैया वन शॉट वीडियो देखा कीजिए तभी समझ में आ गई चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आप कूदे हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता मैं आपको बस यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ पूरी एक्सप्लेनेशन आपको वन शॉट वीडियो में मिलेगी। गिव एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग तीन एडवांटेजेस बताइए नेटवर्किंग की। तो पहला है शेयरिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज शेयर करना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हेल्प इन कम्युनिकेशन में हेल्प कर देना ब्रेक करना बैरियर को डिस्टेंस कॉस्ट ऑफ टाइम और फाइल के ट्रांसफर को बहुत ही ईजी है तीन के जगह मैंने चार बता दिया आपको फाइल ट्रांसफर करना है एक एक्स्ट्रा तो आपको जो भी तीन पसंद आता है लिख लीजिएगा एग्जामिनेशन में ब्रेक करता है बैरियर इंटरनेट की वजह से क्या हो गया सब कुछ एक दूसरे से हम लोग इंटरकनेक्टेड है ना यूट्यूब ने क्या क्या बैरियर को बैक कर दिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता था कि मैं अपनी लोकेलिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता अपने शहर के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है ना अभी आप मान लो कि आप किसी भी कंट्री के किसी भी कोने से हो जिसको एक हिंदी आती है और जिसको ये आपके पास मोबाइल एक्सेसिबल है जिसके कोड IT कोड 402 है वो इस चैप्टर को पढ़ सकता है मुझसे तो ये कम्युनिकेशन चैनल कितना यूजफुल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं तो भैया ऐसा शक्ल मत आप बनाइएगा ठीक है इस चैनल को देख कर मतलब इस वीडियो को देख कर क्योंकि क्या क्या बोले जा रहे हैं वन शॉट देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेन द टर्म
पैकेट विथ रिफरेंस टू डाटा ट्रांसफर, आपको पैकेट बताना, वो पैकेट में वो फूड वाला पैकेट नहीं, आपको यहाँ पे रिफरेंस भी देने के लिए बोला है कि रिफरेंस ऑफ डाटा ट्रांसफर के रिफरेंस से आप पैकेट को डिफाइन कीजिए। तो क्या है, व्हेन डाटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर यूजिंग नेटवर्क, जब डाटा को, जो भी डाटा है, जो भी डाटा को क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया एक कंप्यूटर से दूसरे में थ्रू यूजिंग नेटवर्क का, इंटरनेट का, तो क्या होता है, डाटा इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर सेगमेंट कॉल्ड पैकेट्स। याद रखिएगा, आप जब कोई भी बड़े डेटा को भेजते हो ना, तो आपका डाटा जो है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है या दूसरे जगह जाने में, वो धीरे 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 स्मॉल 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 पैकेट्स में वो डिवाइड कर जाता है, खुद को स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर लेता है स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसी को बोलते हैं हम लोग पैकेट्स। तो जब डाटा को आप एक कंप्यूटर से दूसरे में भेजे हो, चाहे वो यूजिंग नेटवर्क इंटरनेट का, तो वो डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और वही छोटे छोटे टुकड़ों को, वही छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं पैकेट्स। ईच पैकेट इज सेंड फ्रॉम सेंडर ऑफ कंप्यूटर टू रिसीवर, हर एक पैकेट सेंडर ऑफ रिसीवर टू पहुंच जाता है रिसीवर तक, सेंडर से, ठीक है, आइदर यूजिंग सेम रूट और डिफरेंट रूट, यानी मान लो कि एक ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी किसी भी रूट से जा सकता है वो, ठीक है, बस उसको कहाँ पहुंचना है, सबको मैच करना है रिसीवर के कंप्यूटर में, ठीक है। तो आपको ये कॉम्प्लेक्स सर्किट लग रहा है, नहीं इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है, बस ऐसा चैनल है मैसेज का, ठीक है, चलिए एक रूट से जाइए डिफरेंट रूट से। अगर डेस्टिनेशन दीज पैकेट्स आर रिसेंबल्ड इनटू ओरिजिनल फॉर्म, आपने जहाँ तक भेजा है ना उस रिसोर्सेज को, इन्फॉर्मेशन को, वो वहीं जा करके वो रीअसेंबल होगा, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो थ्री क्वेश्चन कंप्लीट्स। क्वेश्चन नंबर फोर, एक्सप्लेन वाईफाई एंड इट्स सिग्निफिकेंस। वाईफाई आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करता है ना, आप अगर वीडियो में देख पा रहे हो तो वाईफाई आप अगर कनेक्ट किए हो या फिर मोबाइल डेटा होगा, ठीक है, मैं आपके कंप्यूटर में तो सिम लगा नहीं सकते तो वाईफाई से ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो वाईफाई का सिग्निफिकेंस क्या है, तो वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडिलिटी, वाईफाई का मतलब होता है क्या, वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जो कि अलाउ करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे कि कंप्यूटर मोबाइल फोन, ताकि वो डेटा को एक्सचेंज कर ले इजीली वायरलेसली ओवर अ नेटवर्क। नहीं तो हम लोग को यूएसबी केबल का मॉडर्न का यूज यूएसबी केबल का यूज करके क्या करना पड़ता था, यूएसबी का, उसकी मदद से हम लोग डाटा को ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन अभी हालांकि ये फास्टर है वाईफाई के अकॉर्डिंग, लेकिन जहाँ पे आपको, आपके पास ये अवेलेबल नहीं है और आपको वहाँ पे शेयरिंग करना है इन्फॉर्मेशन का कंप्यूटर मोबाइल के बीच में, तो क्या करना होगा, तो आपको वाईफाई का यूज़ करके आप शेयरिंग कर सकते हो, इंक्लूडिंग हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, ये आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन भी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, मीडियम ऑफ चैनल्स है, मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो ये सब क्या है भैया, ये कुछ भी नहीं है, आप एक्सचेंज कर रहे हो सारी चीज़ों का, है ना, बस ये वही चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस क्या क्या है वाईफाई का, अच्छा सिग्निफिकेंस भी पूछा है, तो अभी मैंने आपको वाईफाई समझाया, सिग्निफिकेंस मैंने आपको दो यहाँ पे बताए हुए हैं कि वाईफाई यूज्ड वेयर केबल कैन नॉट बी रन, जहाँ पे केबल यूज नहीं हो सकते, जैसे ओल्ड बिल्डिंग्स पे, आउटडोर एरियाज पे, है ना, वहाँ पे आप वाईफाई ही यूज करोगे जहाँ पे आपका क्या, जहाँ पे आप केबल्स का यूज नहीं कर सकते, हर जगह तो हम केबल्स का यूज नहीं कर सकते, है ना, वहाँ पे आप लोग वाईफाई का यूज करते हैं। टू प्रोवाइड नेटवर्क एंड इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस के लिए ब्रॉडबैंड जो है अब वो भी वायरलेस आना शुरू हो गए, तो वो भी क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है इंटरनेट एक्सेस को। आप जो सिम कार्ड लेते हो उसके प्राइसेस क्यों हाई रहते हैं, उनके डेटा पैक्स, क्योंकि उनके जो इंस्टॉलमेंट्स के कॉस्ट है बहुत ही ज़्यादा आते हैं वायरलेस वाले, वेयरएज आपके ब्रॉडबैंड के प्राइस इसलिए कम होते हैं क्योंकि क्या होता है वो वायर से कनेक्टेड होता है और उसकी कॉस्ट कम पड़ती है। तो वाईफाई का एक और सिग्निफिकेंट है कि जहाँ पे केबल काम नहीं करेगा वहाँ पे वाईफाई काम करेगा, ठीक है। वाईफाई कैन ऑल्सो बी यूज वेयर यूजर्स रिक्वायर मोबाइल कनेक्टिविटी, जहाँ भी मोबाइल कनेक्टिविटी की जरूरत है वहाँ पे भी वाईफाई क्या करेगा, काम करेगा। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, सिग्निफिकेंस पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर लैन एंड वैन, लैन को कंपेयर कीजिए वैन से और वैन को कंपेयर कीजिए लैन से, लैन वैन को कंपेयर कीजिए। चलिए लैन वैन हो गया हो तो चलिए जल्दी से कंपेयर करेंगे लैन वैन को। तो सबसे पहले समझते हैं कि लैन क्या होता है भैया, तो लैन कुछ नहीं है, लोकल एरिया नेटवर्क को हम लोग लैन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर को, डिवाइस को लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया के साथ, एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया के साथ ये कनेक्ट करता है, सच एज कोई भी स्कूल होगा, कोई भी होम, घर में, कंप्यूटर लेबोरेटरी में, ऑफिस बिल्डिंग में, और क्लोजली पोजिस्टेड ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, तो वहाँ पे क्या करता है लैन कनेक्ट करता है ना, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, कोई भी एक ऑफिस है उसके अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हो, लेबोरेटरी के अंदर, ऑफिस बिल्डिंग के अंदर, है ना, ज्योग्राफिकल, ये सारा क्या चीज़ है, ये आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह क्या होता है इसके अंदर आ जाते हैं। वैन क्या है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि कनेक्ट करता है एक ओवर अ ब्रॉड एरिया, जो कि इंटरनेट, इंटरनेट तो पूरे वर्ल्ड को ही कनेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया कि ज़्यादा दूर तो वैन, कम दूर तो लैन।
जैसे कि अगर कम दूर है कोई होम में काम है जैसे कि स्कूल्स में, तो वहाँ पे वैन का यूज़ कर लेते हैं, चाहे वो वायर्ड ही रहे वायरलेस रहे और लैन का। और वैन का कहाँ यूज़ करते हैं, वैन का यूज़ करते हैं ब्रॉड एरिया नेटवर्क पे, ठीक है, ब्रॉड लेवल पे। कुछ फुल फॉर्म्स आपके लिखने हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं, इसके फुल फॉर्म्स लिखने हैं, DSL का, ISP का, मॉडम का, WWW का, लैन का, मैन का, वैन का, PWP का, सबका वन शॉट में बताया हुआ है। तो जिनको पता है वो मेरे साथ आंसर देते चलेंगे। DSL को बोलते हैं डिजिटल सर्विस लाइन, है ना, डिजिटल सर्विस लाइन। ये क्या करता है, या सॉरी सब्सक्राइबर लाइन, ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। मान लो आप सब्सक्राइबर हो, आप कनेक्शन करते हो एक दूसरे से, तो उसमें क्या होता है, वो डिजिटली कर रहे हो ना, तो वही क्या है DSL। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि आपके रिलायंस है, आपका जियो है, आपका एयरटेल है, आपको क्या कर रहा है इंटरनेट सर्विस का प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या है ISP है, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। मॉडर्न क्या है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर आपके कंप्यूटर में यूज होता है, ताकि वो आप क्या कर सको एक्सचेंज कर तो सको डेटा मॉडर्न की मदद से, है ना। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये जो है आप कनेक्ट करता है वेबसाइट्स को, है ना, ताकि आप इंफॉर्मेशन का शेयरिंग कर सको पूरे वर्ल्ड के वेबसाइट को। WWW क्या करता है, दैट इज कनेक्ट करने का काम करता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क समझा दिया। मैन मैनुपेट्रेनियन एरिया नेटवर्क, इसको आपको मैंने वन शॉट में अच्छे तरीके से समझाया हुआ, वहां जाके देख सकते हो। वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, अभी मैंने आपको समझा दिया। P2P पीयर टू पीयर कनेक्शन, ये भी वन शॉट में समझाया हुआ है, वहां भी जाके आप अच्छे से इसको समझ सकते हो, ठीक है। हालांकि ये सारी चीजें का बस फुल फॉर्म पूछा है आपसे, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। एक्सप्लेन P2P आर्किटेक्चर एंड हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम द साइलेंट सर्वर आर्किटेक्चर। P2P आर्किटेक्चर क्या है और ये कैसे डिफरेंट है साइलेंट सर्वर आर्किटेक्चर के साथ, वो आपको यहाँ पे बताना है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, आपको मैं पीयर टू पीयर कनेक्शन समझाता हूँ, उसका आर्किटेक्चर और वो कैसे डिफरेंट है साइलेंट सर्वर आर्किटेक्चर से, ये भी समझाता हूँ आपको इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क, ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस, है ना। पीयर टू पीयर नेटवर्क में सारे कंप्यूटर के पास एक इक्वल स्टेटस होता है। देर इज नो स्पेशली डिजाइन सर्वर पीयर टू पीयर कनेक्शन में, जैसे कि एक कंप्यूटर है इसको दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दो, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, कोई भी स्पेशल डिजाइन सर्वर नहीं होता, ठीक है। यही दोनों में से कोई एक कंप्यूटर को सर्वर मान लिया जाएगा, ठीक है। इनके पास दोनों के पास इक्वल स्टेटस ही होता है, जितना ये शेयर कर सकता है उतना वो कंप्यूटर भी शेयर करेगा, ठीक है। इसके लिए कोई भी स्पेशली डिजाइन सर्वर नहीं होता है। और जो कंप्यूटर पीयर टू पीयर कनेक्शन में है कैन स्विच ओवर देयर रोल व्हेनेवर रिक्वायर्ड। मान लो इसका सर्वर बना दिया, इसको सर्वर कभी बना दिया, इसको रिसीवर बना दिया, इसको कभी रिसीवर बना दिया सेंडर, इसको कभी रिसीवर, इसको, तो पीयर टू पीयर कनेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 कंप्यूटर को कनेक्ट करके हम लोग कोई भी एक स्पेशली डिजाइन नहीं वहाँ पे रखते हैं सर्वर के लिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, पीयर टू पीयर कनेक्शन था कि कहाँ पे, जहाँ पे कि हम लोग किसी भी चीज़ को मोड को एक्सचेंज कर सकते हैं, इक्वल स्टेटस होता है, डिजाइन रहता है, कोई भी स्पेशली डिजाइन नहीं रहता है उसके पास, ठीक है। चलिए, इन साइलेंट आर्किटेक्चर वन कंप्यूटर इज डेडिकेटेड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर। इन साइलेंट कंप्यूटर जो भी है, ठीक है, जो भी साइलेंट कंप्यूटर है वहाँ का आर्किटेक्चर जो है, एक कंप्यूटर को डेडिकेट किया गया है दैट इज अदर कंप्यूटर से, ठीक है। उसके लिए एक सर्वर होता है, एक पर्टिकुलर सर्वर होता है, जैसे कि गूगल का कोई सर्वर होगा, है ना, गूगल का पर्टिकुलर सर्वर होगा, गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल पे सेव होगा, है ना। माइक्रोसॉफ्ट बिंग का कोई सर्वर होगा, है ना, वहाँ पे आप सर्च करोगे। मैं भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, दैट इज ये यहाँ पे सेव हो रहा है। तो ये सब डेडिकेटेड सर्वर है, डेडिकेटेड, ठीक है, इन लोग के पास होता है, ठीक है। तो ये बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, फेसबुक का अपना सर्वर होता है, ठीक है। वाइल अदर कंप्यूटर वर्क एज साइलेंट, अदर कंप्यूटर साइलेंट की तरफ वर्क करता है। एक स्पेशल, मान लो कि ये बहुत ही बड़ा रूम है, बहुत ही बड़ा ऑफिस है, जहाँ पे मैंने एक स्पेशल सर्वर बना दिया है और इसमें स्टोर करेंगे इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, और बाकी सारे कंप्यूटर साइलेंट का जैसा काम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है साइलेंट सर्वर, ठीक है। और वही पेयर टू पेयर कनेक्शन, जहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर सर्वर डिजाइन नहीं होता है, ठीक है, इंटरेक्शन कभी भी चेंज हो सकता है। गिव एनी थ्री की फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग, तीन फीचर बताना है इंस्टेंट मैसेजिंग का, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, तो इंस्टेंट मैसेजिंग में आता है टेक्स्ट क्या SMS, तो टेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंड टू वन और मोर पर्सन सिमिलर टू SMS, है ना, टेक्स्ट मैसेज की मदद से, जैसे कि WhatsApp, Facebook, Snapchat, ये सब का यूज़ करते हैं आप लोग। ऑडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग, WhatsApp देता है आपको, IMO देता है आपको, आपको स्काइप देता है ना, माइक्रोसॉफ्ट का स्काइप देता है आपको, है ना। तो इन सब की मदद से आप ऑडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, वीडियो कॉल, सॉरी वहाँ से आप वीडियो कॉल कर सकते हो। ऑडियो कॉल के लिए आपके मोबाइल में रहता है और आप गूगल कॉन्टैक्ट्स भी मिलते हैं आपके मोबाइल में, पहले से प्री डिफॉल्ट फीचर रहता है, ट्रू कॉलर्स होते हैं, इतने सारी चीज़ें आपको मिलती है ऑडियो कॉलिंग के लिए भी फीचर्स। और वीडियो कॉलिंग के लिए तो मैंने आपको बता दिया, स्काइप वगैरह,
फाइल ट्रांसफर नॉट लिमिटेड टू डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, ऑडियो फाइल, वीडियो, सब कुछ आप सेंड कर सकते हो। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं, स्प्रेडशीट को, ऑडियो फाइल को, वीडियो फाइल को, सब कुछ को एक्सचेंज कर सकते हो। मैसेज हिस्ट्री, सेव मैसेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस, आप यहाँ पे मैसेज हिस्ट्री को भी रख सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ये सारी इंस्टेंट मैसेजिंग के फीचर्स हैं, ठीक है। लिस्ट एनी फाइव एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, IMS, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, कुछ पांच ऑप्शन मैं बता दूँ तो आपके लिए, मैंने यहाँ पे पांच लिख रखे हैं, तो आपको इससे ज़्यादा ही पता होगा। वैसे गूगल का टॉक होता है, याहू मैसेंजर होता है, स्काइप होता है, विंडोज लाइव मैसेंजर और रेडी कॉल, ये सब तो आपके पुराने हो गए हैं। आप बोलोगे सर ये कौन सी जमाने की इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, आप बोलोगे हमें तो अभी हमको व्हाट्सएप पता है, अभी हमको फेसबुक पता है, अभी हमको इंस्टाग्राम पता है, अभी हमको जो है स्नैपचैट पता है ना, अभी हमको जो है कोई और होगा तो उसके बारे में पता है। बट ये सारे जो है ना बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। गूगल टॉक हो गया, याहू हो गया, मैसेंजर, स्काइप, विंडोज लाइव, अगर ये आप एग्जामिनेशन में लिखते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि आपने कुछ अच्छी पढ़ाई की हुई है, ठीक है। तो जिसके बारे में आप लिखते हो तो ये सब लिखोगे तो एग्जामिनर पर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंट मैसेजिंग, ऐसे भी अगर वो भी लिखते हो तो गलत नहीं है व्हाट्सएप फेसबुक पर। तो आप क्या जानते हो इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा? इंस्टेंट मैसेजिंग IM क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है इंटरनेट के ऊपर जो कि ऑफर करता है इंस्टेंटेनियस ट्रांसफॉर्मेशन, कि अभी मैसेज भेजा अभी उसके पास मैसेज जाएगा। वो क्या होता है, टेक्स्ट बेस्ड रहता है, सेंडर टू रिसीवर ही है, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग जो है एक फॉर्म है कम्युनिकेशन का ओवर इंटरनेट के ऊपर जो कि ऑफर करता है इंस्टेंटेनियस ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है, एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज। मान लो ये सेंडर है, ये रिसीवर, दोनों के बीच में एक सेकंड के भी गैप के बिना उन दोनों के बीच में मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है। चलिए तो यही क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। 10th, गिव एनी थ्री की फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग के तीन फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो टेक्स्ट और मैसेज से आप लोग क्या कर सकते हो, एक और मोर पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकता है, ऑडियो कॉलिंग से कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग से आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, जुड़ सकते हो, है ना, ये सारे इंस्टेंट मैसेजिंग के फीचर्स है। आफ्टर दैट, स्टेट एनी थ्री रूल्स ऑफ इनइक्विटीज टू बी फॉलोड वाइल द चैटिंग ऑन इंटरनेट, चैटिंग अगर कर रहे हो इंटरनेट पे तो तीन रूल को जरूर फॉलो करना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू बी पॉइंट, बिल्कुल शॉर्ट रखिए, टू द पॉइंट रखिए, किसी भी फॉर्मल लोग के साथ चैटिंग कर रहे हो। ऑलवेज इंट्रोड्यूस, आप ऐसा मत कीजिएगा कि आपने लिखा है कि एज सून एज पॉसिबल वी विल टॉक टू कंटिन्यू, तो आपने ASAP लिख दिया, ठीक है। हालांकि ये आजकल व्हाट्सएप स्टेटस व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है शॉर्ट फॉर्म, लेकिन इसका यूज़ बिल्कुल भी आप नहीं करोगे। आप वहाँ पे टू द पॉइंट लिखना है, शॉर्ट लिखने का मतलब ये नहीं कि बहुत ही शॉर्ट कर दिया, ठीक है। ऑलवेज इंट्रोड्यूस, आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, आपके नेम को, अपने स्क्रीन नेम डजेंट रिफ्लेक्ट, ठीक है। अगर आपके स्क्रीन नेम में आपका नेम नहीं है तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए उस पर्सन के साथ। ऑलवेज आस्क इफ द अदर पर्सन हैज टाइम टू चैट फर्स्ट, आप उनके प्राइवेसी का ध्यान रखिए, आप उनके दैट इज उनके दैट इज ओपिनियन का ध्यान रखिए कि जो अदर पर्सन के पास टाइम है चैटिंग के लिए, नहीं कि आप फालतू में से परेशान किए जा रहे हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द बेसिक नीड्स टू यूज इंस्टेंट मैसेजिंग चैट सॉफ्टवेयर, क्या क्या बेसिक नीड है टू यूज इंस्टेंट मैसेजिंग चैट का, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, इंस्टा, टेलीग्राम, ये सब का। तो बेसिक नीड्स टू इंस्टेंट मैसेजिंग चैट सॉफ्टवेयर का क्या क्या है, अ वायलेट साइलेंट मैसेजिंग अकाउंट, एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन और एक कंप्यूटर और अ ब्राउजर, ये सब चीजें हैं। तो आप आराम से इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, चैट ब्राउजर के थ्रू भी कर सकते हो, है ना, बहुत सारे ऑप्शन है। वैलिड इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट होना चाहिए आपके पास, जीमेल है, जो गूगल है, फेसबुक का अकाउंट है, कहीं का भी, ठीक है। एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन है तो बिल्कुल आप इंटरनेट से इजीली आप इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर चैट का यूज कर सकते हो। व्हाट इज अ ब्लॉग, एक्सप्लेन इज यूज, ब्लॉग क्या होता है स्टूडेंट, तो ब्लॉग क्या है कि ब्लॉग क्या है, मैंने आपको पिछले में भी बताया था कि ब्लॉग एक डिस्कशन स्टाइल है यूज बाय नॉन टेक्निकल और टेक्निकल यूजर, यहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों लोग होते हैं जो कि इसका यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेज का, पर्सनल वेब पेज क्रिएट करते हैं और अपने आइडियाज और थॉट को पर्सनल डायरी की तरह वहाँ पे शेयर करते हैं लोगों के साथ, ठीक है। चलिए, यू कैन यूज अ ब्लॉग टू कन्वे मैसेज अबाउट इवेंट्स, अनाउंसमेंट, न्यूज, रीन्यू, रिव्यूज एक्सेट्रा, आप फोन का रिव्यू कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ का रिव्यू कर सकते हैं, न्यूज़ आप बता सकते हो, अनाउंसमेंट बता सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट बता सकते हो, ये सारी चीज़ें आप ब्लॉग का यूज करके पूरी दुनिया को बता सकते हो खुद का वेब पेज क्रिएट करके, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, लिस्ट एनी फाइव वेबसाइट दैट प्रोवाइड ब्लॉग सर्विस, तो पांच वेबसाइट अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हो तो बहुत सारी इनकम भी है यहाँ पे, तो आपको मैं पांच वेबसाइट के नाम बताता हूँ जहाँ पे आप लोग ब्लॉग बना पाओगे। WordPress.com, तो ये पेड है, ठीक है। चलिए, Blogger.com,
ठीक है, यहाँ पे आप जाकर ये बना सकते हो, ये फ्री है। blog.com, weebly.com, blogsam.com ये सब पांच वेबसाइट्स है जहाँ पे जाकर के आप अपने ब्लॉग को लिख सकते हो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे, या फिर कहीं बहुत जगह फ्री में भी आपको ब्लॉग लिखने की, अपने खुद के वेब पेज क्रिएट करने की अपने ये सर्विसेज मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंसेज बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट, वेब पेज और वेबसाइट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेज है स्टूडेंट्स? तो अ सिंगल HTML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड वेब पेज। एक HTML से जो सिंगल से सिंपल सा जो बना हुआ है उसको वेब पेज बोलते हैं। और वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेज। बहुत सारे वेबसाइट वेब पेज को कलेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाता है? वेबसाइट। तो एक सिंगल HTML डॉक्यूमेंट का वेब पेज बोलते हैं, और उन सबको कलेक्ट करो तो वेबसाइट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिशिंग अ पोस्ट? आपको क्या पता चलता है, आप क्या समझते हो पब्लिश करना एक पोस्ट के द्वारा? ठीक है, तो पब्लिशिंग अ पोस्ट, पब्लिश करना एक पोस्ट को मतलब होता है कि पोस्ट पब्लिक हो, है ना, सबको पता चल जाए उसके रिगार्डिंग, है ना। तो वंस वी फिनिश टाइपिंग डॉक्यूमेंट कंटेंट, हम जैसे फिनिश करते हैं टाइपिंग डॉक्यूमेंट, वी नीड टू पब्लिश द पोस्ट फॉर अदर स्टूडेंट्स। हमको अदर उनको देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग ऑफलाइन पोस्ट भेजते हैं, वैसे ऑनलाइन में भी पोस्ट ऑप्शन होता है ताकि अदर उसको देख पाए। टू व्यू पोस्ट, अगर आपको व्यू करना है पोस्ट, तो यू कैन टाइप द ब्लॉग एड्रेस और द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में जाकर के आप क्या कीजिए, एड्रेस बार को आप सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको ब्लॉग मिल जाएगा, आपको मिलता ही होगा आप गूगल पे जब सर्च करते हो। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर का मतलब, ब्लॉग एडिटर सब क्या करते हो, जब भी आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लोग ब्लॉग लिख लो, और जैसे ही आपके पास इंटरनेट कनेक्शन आ जाए वहाँ पे आप पब्लिश कर दो। तो ये क्या होता है, ऑफलाइन ब्लॉगर ब्लॉग एडिटर का फंक्शन हो जाता है, ठीक है, कि आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप लिख लो, बाद में इंटरनेट आएगा तो उसको पब्लिश कर दो। क्वेश्चन नंबर 18, तो कभी भी काम रुकेगा नहीं, लिस्ट एनी 5 ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। पांच आपको बताने हैं ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स का, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, कुछ ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स है मेरे पास, जो कि क्यूमा है, विंडोज लाइव राइटर है, ब्लॉग डेस्क है, मार्स एडिट है, और ब्लॉग जेट है। ये कुछ पांच ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर है, इनको रिमेम्बर कर लीजिए। क्यूमा है, विंडोज लाइव राइटर है, ब्लॉग डेस्क है, मार्स एडिट है, और ब्लॉग जेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। क्या पर्पस है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का, पेपैल के द्वारा या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर पेटीएम के द्वारा यूज कर। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैव मेड द ट्रांजेक्शन वेरी कन्वीनियंट वे में बना दिया है, बहुत ही सिंपल बना दिया है। वर्क फ्लो इन मेनी फॉर्म इन द बिजनेस, है ना, वर्क फ्लो बहुत ही फॉर्म ऑफ बिजनेस में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ही कन्वीनियंट है, सिंप्लीफाइड है ना। चलिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डील विद द ट्रांसफर ऑफ मनी ओवर द इंटरनेट। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो क्या कहता है, डील करता है किसके साथ, ट्रांसफर ऑफ मनी ओवर इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर आप पैसे को शेयर करना, वो क्या होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। और बहुत सारी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लिए। क्वेश्चन नंबर 20, लिस्ट एनी 5 वेबसाइट डेट अलाउ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए आप IRCTC के वेबसाइट पर जाइए, फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पर जाइए, eBay के वेबसाइट पर जाइए, रेड वेस्ट पे और Amazon, यहाँ पे जाकर आप अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, अपने पैसे को खर्च कर सकते हो थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई भी आप ऑप्शन चूज करके आप यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करके आप अपने सामान को ले सकते हो, ठीक हो। ये सारे कुछ पांच आपको मैंने बताया, आपको 25 पता होंगे, मिंत्रा तो मीशो तो कुछ से कुछ आपको पता ही होगा, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 21, लिस्ट एनी 3 पेमेंट टूल टू यूज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। 3 पेमेंट का बताना है टूल्स का, जिसके मदद से हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे कर सकते हैं वो तो मैंने बता दिया, 3 पेमेंट टूल जहाँ पे जिसका यूज करके हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे, तो क्रेडिट कार्ड का यूज करके, ठीक है, तो इन सब का मेथड से आप यूज कर सकते हो ताकि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को इजिली कर पाओ। तो क्रेडिट कार्ड का यूज कीजिए, डेबिट कार्ड का यूज कीजिए, UPI का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का यूज करके, नेट बैंकिंग का यूज, पेटीएम, फोनपे, रूपे का यूज करके, किसी का भी यूज करके पेमेंट आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट थिंग, गिव एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। मैं बोलूंगा UPI का यूज कीजिए, सबसे ज्यादा इंडियन कंपनी इंडियन को इसको एकदम आगे लेके जाना है, ठीक है, UPI का भर के यूज कीजिए आप लोग। और UPI कहाँ पे यूज होता है, तो पेटीएम पे, फोन पे, है ना, ये सब जगह पे UPI का यूज होता है। गिव एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के 2 बेनिफिट्स बताइए। तो 2 बेनिफिट्स जो है, मनी कैन बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, तुरंत चले जाएंगे पैसे, और इट हेल्प टू रिड्यूस ब्लैक मार्केटिंग एंड सम एक्सटेंट, है ना, ब्लैक मार्केटिंग को कुछ एक्सटेंट तक रोकेगा, पूरी तरह से तो नहीं ही रोक सकता है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द इंटरनेट सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी की क्यों जरूरत है। तो इंटरनेट सिक्योरिटी एक ब्रांच है कंप्यूटर सिक्योरिटी का, जो कि स्पेशली रिलेटेड है इंटरनेट से, ठीक है। इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है, ब्रांच है किसका, कंप्यूटर सिक्योरिटी का, स्पेशली रिलेटेड टू इंटरनेट, किससे, इंटरनेट से रिलेटेड। Its objective is to establish rules and measure to use against attack over internet. इसका objective क्या है,
स्टैब्लिश करना रूल को एंड मेजर्स को टू यूज अगेंस्ट अटैक ऑन इंटरनेट, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटरनेट सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ऐसा ब्रांच ऑफ कंप्यूटर जहाँ पे हम लोग इंटरनेट पे कैसे सेफ रहेंगे, कैसे हम खुद को सिक्योर रखेंगे, उसे डील करता है। ऑब्जेक्टिव इसका है ताकि रूल्स को एस्टैब्लिश करना, मेजर करना अगेंस्ट द अटैक और इंटरनेट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑनलाइन थ्रेट, तो आपको ऑनलाइन थ्रेट को बताना है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑनलाइन थ्रेट क्या क्या है, फिंसिंग, ईमेल स्पूफिंग और चैट स्पूफिंग, ये तीन चीजें, और इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे, एक्सप्लेन द नीड टू क्लियर, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है अभी हम लोग 17 स्लाइड, अभी थोड़ा सा तो लेट लगेगा, 10 to 15 minutes। 25, एक्सप्लेन द नीड टू क्लियर डाटा स्टोर्ड इन ब्राउजर, बोलते हैं ना कुकीज को क्लियर कीजिए, कुकीज को तो क्यों जरूरत है, तो ब्राउजर ऑफन कैन प्रॉम्प्ट द सेव यूजर नेम सेव पासवर्ड व्हेन यूजर अटेम्प्ट टू लॉग इन ऑन द वेबसाइट, लॉग इन जब भी आप करते हो, लॉग ऑन नहीं, हाँ लॉग ऑन ऑन द वेबसाइट, जैसे भी आप करते हो वेबसाइट पे, तो आपका वो यूजर नेम पासवर्ड को सेव करता है। तो ब्राउजर कैन ऑल्सो यूज स्टोर एज कुकीज के रूप में, आपने जिस वेबसाइट को देखा, वेब पेज को देखा, ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह को आपका रख लेता है, ठीक है। However, it is not advisable to leave the browser store that data particularly. आप ब्राउजर को कभी भी डाटा स्टोर करने मत दीजिए ऑन द पब्लिक, जैसे कि कंप्यूटर का यूज कर रहे हो तो वहाँ पे तो आप कभी भी मत यूज कीजिए। तो इसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा इनकॉग्निटो मोड में आपको बताता हूँ, जो कि आपको सारे इनकॉग्निटो मोड या फिर प्राइवेट मोड, आप जैसे ब्राउजर को ऑन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एक प्राइवेट या फिर इनकॉग्निटो मोड मिलेगा, आप उसको जल्दी से ऑन कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप वहाँ पे अगर आप पब्लिक में यूज कर रहे हो, किसी दूसरे का फोन कंप्यूटर यूज कर रहे हो जहाँ पे आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड नहीं शेयर करना है। सो ये एडवाइजेबल है क्लियर कर लेना डाटा को, ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, दैट इज सेफ रखने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इससे अच्छा तो आप इनकॉग्निटो मोड ही यूज कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन एनी 5 tips टू मैनेज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, 5 टिप्स बताइए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को मैनेज करने के लिए, ठीक है। 5 एकदम तरीके बताइए जिसकी मदद से आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हो। तो सबसे पहले तो कीजिए लेंथ जो है पासवर्ड का, एटलीस्ट 12 से 14 के लीजिए, ठीक है। अगर परमिट है वहाँ पे तो 12 से 14 रखना ही रखना है, ठीक है। अवॉइड कीपिंग पासवर्ड ऑन रिपीटेशन, नहीं रखना कभी भी एक जगह से दूसरी जगह पासवर्ड रिपीट कर दिया। डिक्शनरी वर्ड्स लेटर नंबर सीक्वेंसेस यूजर नेम रिलेटिव का नेम पेट का नेम ये सब का नहीं रखना है, अपनी बकरी का नेम अपने गाय का नेम ऐसा नहीं रखना है, अपने कुत्ते का नेम नहीं रखना है, ठीक है। अच्छे से रखना है जिसमें आप सेफ रह पाओ, ठीक है। इंक्लूड करना चाहिए वो पासवर्ड, एक स्पेशल पासवर्ड नंबर में ही होना चाहिए, सिंबॉल्स होना चाहिए पासवर्ड में, ठीक है। अगर अलाउ है तो नंबर और सिंबॉल हैशटैग वगैरह वगैरह यूज कीजिए, ठीक है। यूज कैपिटल एंड लोअर केसेस, कहीं कैपिटल कहीं लोअर का यूज कीजिए, ऐसा नहीं कि कैपिटल में पूरा धड़ल्ले से लिख दिया पूरा स्मॉल में लिख दिया, नहीं, लोअर और कैपिटल का यूज कीजिए। अवॉइड यूजिंग सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट्स, एक ही जो है पासवर्ड को मल्टीपल साइट्स पे यूज मत कीजिए और हर महीने अपने पासवर्ड को बदलते रहिए। एक्सप्लेन एनी 4 best practices टू सिक्योर डाटा, 4 best practices बताइए सिक्योर करने के लिए डाटा को। तो 4 best practices की जगह मैं आपको 6 best practices बताऊंगा। आपकी रखिए यूजर नेम और पासवर्ड को प्राइवेट रखिए, ठीक है, किसी को पता मत चलने दीजिए। यूज अपडेटेड एंटीवायरस एंटी स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, यूज कीजिए ओनली अपडेटेड एंटीवायरस और एंटी स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर का ही यूज कीजिए। आपने जो क्लियर करते रहिए ब्राउजर के कुकीज को हमेशा, ठीक है, फ्रीक्वेंटली। डू नॉट क्लिक ऑन लिंक शेयर बाय अननोन यूजर, अननोन यूजर ने जो भी लिंक दिया उस पर क्लिक मत कीजिए। कभी भी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर नहीं कीजिए अननोन सोर्स से, ठीक है, जो कि आप वेबसाइट है। और इंस्टॉल कीजिए फायरवॉल को, जो कि अगर ऐसा कुछ आ भी जाता है थ्रेड तो आपको वो बता देगा। हमेशा यूज कीजिए HTTPS बेस्ड सॉफ्टवेयर, HTTP बेस्ड सॉफ्टवेयर आपको यूज नहीं करना है। अब तो पहले CBSE का भी यही वेबसाइट था, बट अपने CBSE ने सुधार करके HTTPS कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ना। चलिए, एक्सप्लेन यूज ऑफ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाइवेयर। तो एंटीवायरस या फिर एंटी स्पाइवेयर प्रोग्राम जो है ऑफर करता है आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन, क्या कहता है, रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफर करता है। मॉनिटर करता है आपके कंप्यूटर को फॉर एनी चेंजेस बाय मालवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, मॉनिटर करता है आपके कंप्यूटर को फ्रॉम एनी चेंजेस जो कि मालवेयर सॉफ्टवेयर के द्वारा किए गए। कीप योर एंटीवायरस एक्टिविटी एंड एंटी स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर ऑलवेज अप टू डेट, वो क्या करता है आपको ऑलवेज अप टू डेट रखता है। दिस कैन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम एनी थ्रेट, ये क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने में कोई भी थ्रेट से, ठीक है। एंटीवायरस आपके अंदर कोई आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी वायरस आ गया, कोई भी अननोन थ्रेट्स आ गया, कोई भी हैकर ने हैक करने की कोशिश की, तो फायरवॉल एंटी स्पाइवेयर एंटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसको हटाने का काम करता है आपके कंप्यूटर से। तो ये आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, इनफैक्ट मोबाइल में भी।
इनलेस्ट एनी थ्री बेसिक सेफ्टी रूल टू फॉलो एट वर्क स्पेस। वर्क प्लेस पे आपको तीन बेसिक सेफ्टी रूल यूज करते हैं, फायर सेफ्टी, फॉल्स एंड स्लिप्स और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। ये तीन चीजें सेफ्टी आपको यूज करना है, ठीक है। फायर से बचना है, फॉल एंड स्लिप से गिरने और स्लिप होने से बचना है, और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, गिव एनी टू बेसिक सेफ्टी रूल फॉर इंश्योरिंग फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी। आपको दो बेसिक सेफ्टी रूल बताना है फॉर किसके लिए, इंश्योर करने के लिए फॉल एंड स्लिप सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो दो बेसिक सेफ्टी रूल जो भी इंश्योर करेंगे आपके गिरने और स्लिप सेफ्टी से, वो आपको कैसे होगा, ठीक है। तो कीप द मूविंग एरिया क्लीन एंड क्लटर फ्री। आप अपने मूविंग एरिया क्लटर फ्री रखिए, है ना, क्लीन रखिए। वर्क प्लेस मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेटर रिसीव लाइट। वर्क प्लेस पे प्रॉपर वेंटिलेटर होना चाहिए, रिसीव उस पे लाइट होना चाहिए। वियर नॉन स्लिपरी फुटवेयर। आप नॉन स्लिपरी फुटवेयर का यूज कीजिए, ग्रिप वगैरह अच्छा हो। फ्लोर मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई, ड्राई होना चाहिए, गीले फ्लोर पे गिरने की ज्यादा टेंडेंसी हो जाती है। गिव एनी टू इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, है ना। चलिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को शुड बी अप्रूव्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कभी भी आलतू फालतू मत ले लीजिएगा इलेक्ट्रिक, ठीक है। चलिए, वर्कर शुड बी ट्रेन्ड टू हैंडल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफ्टी। वर्कर को ट्रेन कीजिए ताकि वो जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफ्टी है उसको मेजर को ध्यान में रखते हुए काम करे। एक्सप्लेन टू फर्स्ट एड रूल्स। फर्स्ट एड रूल क्या है, इंश्योर डैट द इंजर्ड रिमेन काम एंड नॉट पैनिक। आपको अगर इंजरी हो भी गई है तो आप काम रहिए, आपको जो पैनिक मत होइए। कीप देम वार्म इफ दे अंडर शॉक। उसको गर्म रखिए अगर वो किसी भी अंडर शॉक है, ठीक है, ठंडा मत होने दीजिए उसको। चलिए, ये समझ में आ गया, तो आगे बढ़ चलते हैं। व्हाट डू यू, नेक्स्ट थिंग है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड का मतलब क्या होता है, एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड इज द इलनेस। क्या है, इलनेस है वन में एक्वायर्ड ड्यू टू इट्स ऑक्यूपेशन। एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या है, इलनेस है, ठीक है, जो कि एक्वायर हो सकता है ऑक्यूपेशन के द्वारा। जैसे कि पीपल वर्किंग इन केमिकल फैक्ट्री में गेट इफेक्टेड ड्यू द प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन केमिकल्स, है ना। जैसे कि चेर्नोबिल इफेक्ट आपको पता ही होगा कितना खतरनाक है, है ना। जैसे कि आपको मैंने बताया कि पीपल जो है वर्क करे केमिकल फैक्ट्री में, तो वहां उनको खतरे हो सकते हैं, तो उन हजार से उनको बचना है, ठीक है। चलिए, थ्री टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड में फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल, तीन टाइप के हजार्ड आपको देखने को मिल सकते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड में। एक्सप्लेन द टर्म्स एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी। तो एक्सीडेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कि ऑकर हो जाता है अनटेंडेडली कॉजिंग हजार्डस रिजल्ट, इंजरी, अनवांटेड रिजल्ट, ऐसा कुछ होता है। और एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो कि इमीडिएट अटेंशन मांगता है उसको इमरजेंसी बोलते हैं। एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो कि इमीडिएट अटेंशन को मांगता है वो इमरजेंसी है। बट एक्सीडेंट क्या था, एक्सीडेंट को हम लोग डिफाइन कर रहे थे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के द्वारा। क्या कर रहे थे, एक्सीडेंट को अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कि हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, आपका ये चैप्टर यहीं पर एंड हो गया है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, और आपको यहीं के एंड स्क्रीन मिल जाएगी, ठीक है, वीडियो के लास्ट में। और आप उससे जाकर के आपको जो भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट चेक करने के बाद जो भी होता है आप मुझे बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट को जो है क्वेरी को कमेंट कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको तब तक पढ़ाई करना है, अच्छे से फोड़ना है, कहना चाहते हैं, टेक केयर एंड बाय।